नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस वीडियो में। हम अक्षय शुक्ला, आप हैं टेक्निकल अक्षय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बदमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आल सेलेक्ट कर लीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ डेबिट कार्ड ईएमआई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप भी कोई भी सामान ऑनलाइन या ऑफलाइन ईएमआई यानी किस्तों पर खरीद सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड से ईएमआई कर सकते हैं, पूरा लाइव दिखाऊंगा। तो वीडियो हमारे एंड तक जरूर देखिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बकबक किए। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जो है काफ़ी सारे ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पे बिग विलियन डेज का ऑफर फ्लिपकार्ट चल रहा है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो है अमेजॉन पे चल रहा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्काउंट के जो है डिस्काउंट में सामान मिल रहे हैं। जैसे आप मोबाइल ले लो या कोई भी सामान ले लो, यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल है तो काफ़ी सारे डिस्काउंट पे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को लोग परचेज करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है पैसे कम होते हैं और ईएमआई कार्ड भी नहीं होता, जो क्रेडिट कार्ड होता है। अब लोग सोचते हैं यार पैसे भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो कैसे खरीदें। अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी एटीएम है तब भी आप किस्तों में खरीद सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी मैं सबसे पहले अभी आपको यहाँ पे परचेज करके एक मोबाइल जो है डेबिट कार्ड से एटीएम कार्ड से आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे एक्टिव कर सकते हैं, मतलब कैसे आप कर सकते हैं अपने एटीएम कार्ड से जो है खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो हमारा एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा प्रोसेस जो है समझ में आएगा। वीडियो एंड तक देखोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आपको क्या झूठ बोला था। पूरा प्रोसेस यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा, परचेज करके दिखाऊंगा, यहाँ पे खरीद के दिखाऊंगा डेबिट कार्ड से, ठीक है। तो एंड तक वीडियो देखिए। अभी तक मैं वीडियो को लाइक नहीं कर पी या लाइक कर दे, वीडियो लाइक कर दो थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में मज़ा आता है, लाइक कर दीजिए। यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल खरीदना चाहता हूँ रेडमी 9A, अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, ऊपर से रेडमी 9A यहाँ पे आ चुका है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको इसके बाद बताऊँगा कि आप कैसे जो है कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको परचेज करके दिखा देता हूँ। रेडमी 9A ये मोबाइल मैं अभी किस्तों में ले रहा हूँ डेबिट कार्ड से यानी एटीएम कार्ड से। अब ये मोबाइल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे नीचे बाय का ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें कार्ड में ऐड किया है ये फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे हम कार्ड पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आ चुका है कार्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड टू बाय करता हूँ। प्रोसीड टू बाय करने के बाद में यहाँ पे आता है एड्रेस अपना सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पे आप डिलीवरी लेना चाहते हैं। यहाँ पे हम एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, डिलीवरी टू दिस एड्रेस। आप यहाँ से एड्रेस एडिट भी करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं या नया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस जो है सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पे देखिए डिलीवरी कब होगा, यहाँ पे दिखा रहा है। कंटिन्यू सिंपली यहाँ पे कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कब तक आपको डिलीवर करेगा, यहाँ पे दिखा रहा है। कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमारा देखिए सबसे ऊपर आता है कोटक महिंद्रा बैंक डेबिट कार्ड, यहाँ पे ऊपर हमारा डेबिट कार्ड लिखा है। यहाँ पे देखिए नीचे ईएमआई सेलेक्ट करना, ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड आप कर सकते हैं। हमारा कार्ड पहले से ऐड है, यहाँ पे देख सकते हो ये डेबिट कार्ड ही है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो है कोटक महिंद्रा का डेबिट कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, ईएमआई कितने मंथ में आप देना चाहते हो, 6 महीने या 3 महीने या 9 महीने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 महीने सेलेक्ट करते हैं, चूज ईएमआई प्लान पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा ईएमआई प्लान सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो डेबिट कार्ड ही लिखा है, ठीक है। तो ये पहले से ऐड है, आपको ऐड कर लेना है कार्ड, जो सीवीवी कोड वगैरह डाल के, कार्ड नंबर डाल के। यहाँ पे कोड डाल देता हूँ सीवीवी, उसके बाद में क्या करें, सीवीवी कोड यहाँ पे देख सकते हो डाल देता हूँ अपने एटीएम कार्ड का। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है सिंपली। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है ऑर्डर जो है हमारे ऑर्डर का, कि कितना प्राइस है, कितना जो है टोटल आपको पे करना है और कब पे करना है। यहाँ पे देख सकते हो 1130 रुपये 87 पैसे 6 महीने हमको पर मंथ पे करना है। यहाँ पे हम प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर वेट करना, यहाँ पे ये अपने आप सारा कुछ काम कर लेगा, यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपका बैक करोगे तो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से खुल के आएगा, यहाँ पे आपको एग्री करना है और यहाँ पे देखिए को एक मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक में और अमेजॉन पे लगा हुआ है, ठीक है। वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ फटाफट अपना जो बैंक में लगा है और अमेजॉन पे है। उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे टिक करना है टर्म एंड कंडीशन और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू कर देते हैं तो एक OTP आएगा यहाँ पे, और वो OTP यहाँ पे आपको डालना है। इस नंबर पे एक OTP आएगा, ये ऊपर आ चुका है OTP। यहाँ पे हम OTP जो है वन टाइम पासवर्ड इसे यहाँ पे डाल देते हैं,
पूरा आपको लाइव दिखाऊंगा, इसके बाद में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा पूरा बताऊंगा। तो वीडियो आने तक देखिए, यहाँ पे देखो थोड़ा समय लग सकता है, सबमिट कर देता हूँ ओटीपी डालने के बाद में, ठीक है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, जो है मतलब ये 24 से 48 घंटे में वेरीफाई होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 48 घंटा प्रोसीड होने में लगता है, लेकिन आपका ऑर्डर जो है वो बुक हो चुका है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ये बैक कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा दोबारा अमेजॉन की वेबसाइट पे, हमने अमेजॉन से परचेज किया, ठीक है। यह पेमेंट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो थैंक यू फॉर शॉपिंग भी, और यहाँ पे जो है हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, रिव्यू और एडिट योर रिसेंट ऑर्डर, यहाँ पे देखिए बटन दिया हुआ है, ऑर्डर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है डेबिट कार्ड से ईएमआई पर कोई भी सामान परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये तो हमने ऑनलाइन अभी बताया, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हो, आपका आप कैसे पता कर सकते हो कि आप आपका एटीएम कार्ड पे जो है ईएमआई होगा या नहीं होगा, डेबिट कार्ड पे ईएमआई होगा या नहीं होगा। तो चलिए बैक चलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जानने के लिए कि आपके जो है एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड से ईएमआई होगा या नहीं होगा, किस्तों पे सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको सिंपली वेबसाइट पे चले जाना है, यहाँ पे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट किसी पे जहाँ से आप परचेज करना चाहते हैं उस पे जाना है। और उसके बाद में यहाँ पे देखें कई सारे ऑफर जैसे चल रहे हैं, कोई भी जो भी सामान आप परचेज करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम किसी मोबाइल पर क्लिक करता हूँ, मोबाइल यहाँ पर परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे हम मोबाइल पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद में देखिए मोबाइल खुल के आ जाता है, यहाँ पर प्राइस इसकी लिखी होगी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे देखें 9999 का मोबाइल है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है इस पर, ठीक है। ईएमआई ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस हैं तो इस पर क्लिक करना है, सिंपली आपको ईएमआई ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। ईएमआई ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए अमेजॉन पे से कर सकते हैं, पे लेटर और अदर ईएमआई यहाँ पे जैसे हाई हैं, ये क्रेडिट कार्ड वाली हैं, इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड से ले सकते हो। यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड लिखा है, सिंपली डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए हमारा दिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर डेबिट कार्ड ईएमआई। तो हम जो है पहले से हमारा कार्ड नंबर यहाँ पर ऐड है, और जैसे आपने देखा कि हमने जो है अभी ये जो है डेबिट कार्ड से परचेज किया है, ये हमारा डेबिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ डेबिट कार्ड लिखा है, नहीं तो लोग कहें ये जो है क्रेडिट कार्ड था, तो यहाँ पर हम तो लिखे नहीं डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो अभी आप कैसे देख सकते हो ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा तो एलिजिबल है, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है, देखिए नीचे लिखा है डेबिट कार्ड ईएमआई, यहाँ पे लर्न मोर यहाँ पे लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो किन किन बैंकों का यहाँ पे डेबिट कार्ड जो है चलेगा, ईएमआई ऑन योर डेबिट कार्ड, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और फेडरल बैंक। तो यहाँ पे इन बैंकों पे आप इन बैंकों के डेबिट कार्ड से ईएमआई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है इन बैंकों के यहाँ पे कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो यहाँ पे एसएमएस में जैसे मान लो आपका एचडीएफसी का है, तो यहाँ पे एसएमएस आपको टाइप करना है MYHDFC और सेंड करना है 5676712 पर, ये नंबर है यहाँ पे। सभी बैंकों के अलग अलग नंबर और अलग अलग यहाँ पे लिखे हैं कि क्या टाइप करके क्या भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, और उसके बाद जो है एसएमएस भेजोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आप जो है आपकी एटीएम कार्ड पे ईएमआई हो सकता है या नहीं हो सकता, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से चेक करने के बाद आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, कोई भी सामान जो है किस्तों पर खरीद सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू जी।